हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर पॉइंट। आज हम 9th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 12 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा कोल, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का उत्तरी एवं दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है एवं दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी भाग कोरोमंडल तट एवं दक्षिणी भाग उत्तरी सरकार तट। सी है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप अंडमान से कितना दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 128 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 125 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 130 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 135 किलोमीटर। तो निकोबार द्वीप अंडमान से 128 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में कौन से अन्य द्वीप सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए अमिनी द्वीप, ऑप्शन नंबर बी मिनिकोई द्वीप, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अमिनी द्वीप और मिनिकोई द्वीप दोनों ही द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक लाख द्वीप, 1000 द्वीप या फिर 100 द्वीप? तो लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है वो है 1 लाख द्वीप। 1 लाख द्वीपों से ही तात्पर्य लक्षद्वीप का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किनारों पर कौन से वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए साल वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी सागवान वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी सुंदरी वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी सीसम वृक्ष। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किनारों पर सबसे ज़्यादा जो वृक्ष मिलते हैं वो मिलते हैं सुंदरी वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा निर्मित प्रायद्वीपीय पठार कितने क्षेत्र में फैला है? ऑप्शन नंबर ए 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर बी 7000 वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 लाख वर्ग किलोमीटर में लावा निर्मित प्रायद्वीप पठार फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए भौर घाट, ऑप्शन नंबर बी थाल घाट, ऑप्शन नंबर सी पाल घाट, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ही दर्रे जो है पश्चिमी घाट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी या अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार समुद्र तल से कितना ऊंचा है? ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री 25 मिनट से 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर,
ऑप्शन नंबर डी है 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, या भारत के लगभग मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। तो भारत के जो लगभग मध्य से गुजरती है उस रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं और कर्क रेखा भी कहते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई से, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद से। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये हमारे इलाहाबाद से गुजरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। ऑप्शन नंबर ए 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। पूर्व से पश्चिम इंडिया का विस्तार कितना है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। ऑप्शन नंबर ए 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 7,935 किलोमीटर। तो 16th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 3,214 किलोमीटर हमारे भारत का नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 12,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 17,200 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 19,200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 8,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 6,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 18th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7,516.6 किलोमीटर हमारे भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा से जुड़े पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों ही गलत हैं। तो 19th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों की सीमा जो है हमारे भारत देश की स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए 8वां बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर बी 5वां बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी 7वां बड़ा है या फिर ऑप्शन नंबर डी 3रा बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में अपना 7वां स्थान रखता है, यानी हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पे है या 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।